बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने हल चलवाने के बाद एक सींग रूटर की लगवाई है और इसके बाद हम इन 9 मरलों को 3-3 मरलों में तकसीम करेंगे और इसको पहले तो लेवल करवाएंगे ना। लेवल करने के बाद फिर हम इसमें धान की पनीरी काश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाइना का बीज है, उसके लिए हम इस खेत को तैयार करवा रहे हैं और तैयार करवाने के बाद ही हम बीज की पनीरी काश करेंगे ताकि उसमें कोई मसले मसाइल ना हो, उसके उगाव में कोई फ़र्क ना आए और उसकी एवरेज में भी इजाफा रहे। क्योंकि बाज़ औक़ात हम अपने जो है ना खेत को सही तरह से तैयार नहीं करवाते, जिसकी वजह से बीज का उगाव कम होता है और बाद में परेशानी का सबब बनता है। इसलिए हमने पहले हल्की सींग लगवाने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इसमें रूटर की एक सींग लगवा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि मिट्टी बिल्कुल बारीक हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है और बारीक होने की वजह से जब भी हम बीज का छट्टा लगाएंगे, बीज मिट्टी को जाकर पकड़ लेगा और बीज की जर्मिनेशन अच्छी होगी। इस तरह आगे भी मैं वक्तन फवक्तन आपको इसके बारे में बताता रहूँगा। अभी मैं ले अपना रूटर मुकम्मल करवाने के बाद इसमें हम बन्ने बनवाएंगे, 3 बन्ने, 3 थैलियाँ, 3 मुख्तलिफ बन्ने बनवाएंगे और उन खेलियों में हम अलहदा अलहदा लेवल लगाएंगे। पंजी के साथ लेवल लगवाने के बाद हम इसमें या रूड़ी या तूड़ी का इस्तेमाल करवाने के बाद ही हम इसमें काश करें। किसान भाइयों, जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में काम करेंगे दिक्कत तो बहुत होती है, मगर अपने हाथ से काम करने में बरकत भी बहुत ज़्यादा होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने हाथ से मेहनत करें, इंशाल्लाह फल मैं लूँगा। तो इसी तरह मैं इस बीज के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और लाइव आपको दिखाता जा रहा हूँ कि किस तरह हम खेत को तैयार कर रहे हैं, किस तरह हमने 3 खेलिए, जैसे आप देख रहे हैं कि ये पहला खाना है, ये दूसरा खाना है और वो तीसरा। तो हम वक्तन फवक्तन आपको बिजाई से लेके एंड तक इस धान की वैरायटी जो चाइना ने हमें स्पेशली तौर पर प्रोवाइड की है, मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। कोशिश करें कि निकाल दें, क्योंकि ये ज़्यादा देर गलता नहीं है और बीज के उगाऊ में मसला बनता है। बाकी लेवल की बात करें तो हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। ठीक हो गया, तमाम खेलियाँ क्लियर हैं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह।